कुछ लोगों ने हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ दोनों चीजें चुरा ली, वो भी राइट फ्रॉम अवर होम। यू वॉन्ट टू नो हु एंड हाउ? माई सेल्फ कुलदीप जाजू एंड आई विल गेट यू दिस इंफॉर्मेशन टूडे। सो कपल ऑफ ईयर्स बैक वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारे को एक सुपर सजेशन आया। उन लोगों ने हमें बताया कि आप लोगों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और आप डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, और आप जिन गायों के ऊपर आधारित हैं वो गायें मात्र 5-10-15 लीटर दूध ही देती है। बट हमारे पास में, वेस्टर्न वर्ल्ड के पास में ऐसी गायें हैं जो 30-40 या 50 लीटर दूध देती है दिन का। तो आप अपनी गायों के ऊपर आश्रित होना छोड़ दें, उन्हें घर से बाहर निकाल दें और आप हमारी गायें इंपोर्ट कर लें। बट समस्या यह थी कि हमारे पास में उनकी गायें इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हमारी गायों को मरवाने के लिए स्लॉटर हाउसेस खुलवा दिए जहां से हम कुछ पैसा अर्जित कर सके, और वो पैसा हम लोगों ने इन विदेशियों को देकर उनसे उनकी गायें खरीद ली और हमारी गायें स्लॉटर हाउसेस भिजवा दी। इस पूरी क्रिया को श्वेत क्रांति के नाम से इतिहास के पन्नों के अंदर पढ़ा गया है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। यह था हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ की तरफ हमारा पहला समझौता। दूसरे चरण के अंदर जब यह पहला समझौता सुपर सक्सेस हो गया तो दूसरे चरण के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति। इसके अंदर हमें बताया गया फिर से कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आप ये गोबर एंड गौमूत्र के ऊपर आधारित खेती करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। और एक प्रथा तो हमारे यहां पे जमाने से चलती आई है, ये जब गोरे लोग या गोरी मेम हम लोगों से कुछ भी बात करते हैं तो हम बिना सोचे समझे अपना सर्वस्व उनके ऊपर न्योछावर कर देते हैं, और वही हमने फिर से किया। हम लोगों ने उनके द्वारा सुझाव दिए गए पेस्टिसाइड्स को अपनी धरती माता के ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया और अपनी ऑर्गेनिक खेती बंद कर दी। जी हां गाइस, उससे हमें फल फ्रूट सब्जी अनाज अधिकतम मात्रा में मिल तो गए, बट हम उन्हीं को खाने लगे और उन्हीं को खाने के बाद में बीमार बीमार और बीमार होते गए। यहां से उनकी सेकंड चरण की सक्सेस जब उन्हें मिली तो उन्होंने तीसरे चरण की सक्सेस स्टार्ट किया। तीसरे चरण के अंदर उन लोगों ने हमें बताया कि जब लोग आप लोग इतने बीमार हैं और आप फटाफट ठीक होना चाहते हैं तो कहां आप इन पेड़ पौधे और पत्तियों के चक्कर में पड़े हैं। यू नो नीम हकीम खतराए जान, आप हमारी एलोपैथिक दवाइयां लीजिए, उससे आप फटाफट ठीक हो जाएंगे एंड आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। हम लोगों ने हमारे आयुर्वेद को ठुकरा कर इस एलोपैथी को अपनाना स्टार्ट कर दिया। वन आफ्टर अनदर इन तीन चरणों के अंदर, सबसे पहले श्वेत क्रांति, फिर हरित क्रांति और फिर एलोपैथी, इन तीनों ने मिलकर हमें गरीब और बीमार बना दिया। हमारी हेल्थ और वेल्थ ये पाश्चात्य जगत चुरा के ले गया। यह बात तो थी पाश्चात्य जगत की, बट अगर मैं बात भारतीय सभ्यता और संस्कृति की करूं तो हमारे पास में जीव से शिव तक, पुरुष से पुरुषोत्तम तक, जड़ से चेतन तक, तो बोनसाई से बरगद तक, व्यक्त से अव्यक्त तक, तो सीमित से असीम तक, बिंदु से सिंधु तक, तो वासना से उपासना तक, मानव से महामानव तक, तो स्थूल से सूक्ष्म तक, वामन से विराट तक, तो नर से नारायण तक पहुंचने का ज्ञान अगर पूरी दुनिया में किसी के पास में है, किसी सभ्यता और संस्कृति के पास में है, तो वो सिर्फ भारत और भारत की है। सो गाइज, इट्स टाइम टू गेट अप and follow our own culture. We must go back to our own roots.
बिकॉज ये हमें हेल्थ भी देगा और वेल्थ भी. एंड व्हेन वी नो आवर कल्चर इज सो डैम रिच, तो इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो, यह हमारा कर्तव्य है कि पहले हम इसका विचार और आचार करें और फिर इसी कल्चर का पूरी दुनिया के अंदर प्रचार करें. लेट्स मेक दिस वर्ल्ड ए ब्यूटिफुल प्लेस फॉर द कमिंग जनरेशंस. फॉर नाउ आई वुड लाइक टू रिपीट जस्ट वन थिंग हियर, कि खुशियों का डब्बा खोल दो. यस गाइस, खुशियों का डब्बा खोल दो, बस एक बार दिल से बोल दो, जहर मुक्त भारत जिंदाबाद. जय हिंद.